हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो है यानी कि लैप्रोटमी सर्जरी है, ओपन सर्जरी होनी है, तो उसमें आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और इन इंस्ट्रूमेंटों के बारे में मैं बताऊंगा, उनके यूज क्या होते हैं और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो लेट स्टार्ट माई वीडियो। आओ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये होता है स्पंज होल्डर। आप देख पा रहे हैं, ये है स्पंज होल्डर। ये देखो, इसमें होल भी है, ये भी है। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पेशेंट को पेंट करना, यानी कि जब इसमें बीटा, ये बाउल होती है साथ में, इसके अंदर बीटाडीन डली होती है, गोज पीस होते हैं, ऐसे पकड़ के पेशेंट के जो पेंट ड्रेप करते हैं तो उसको ऐसे पेशेंट को पेंट करते हैं किसी भी एंटीसेप्टिक से। ठीक है दोस्तों, ये बीटाडीन इसका स्पंज होल्डर का हो गया और बाउल का हो गया काम। तो इसके बाद आप देखते, मैं आपको दिखाऊंगा, ये होते हैं, ये है टूथ फोर्सेप। ये देख पा रहे हैं, इसमें दांत है आगे ना, ये है टूथ फोर्सेप। इसका काम क्या होता है? स्किन को होल्ड करना इस तरीके से, जैसे ये इस तरीके से स्किन को होल्ड कर लेता है, ये टूथ फोर्सेप है। और इसी में साथ में होता है नॉन टूथ फोर्सेप। देखो, इसमें टूथ नहीं है यानी कि दांत नहीं है, इसमें एक दांत जैसे दिख रहे हैं, इन दोनों में यही टूथ है, ये नॉन टूथ है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद दिखाता हूँ आपको, ये होते हैं बीपी हैंडल्स। ये अलग अलग साइजेस के होते हैं बीपी हैंडल, इनमें ब्लेड लगता है, यहाँ पे ना ब्लेड लगता है, ये बीपी हैंडल होते हैं, सर्जिकल ब्लेड इसमें लगता है। ये जैसे ये 3 नंबर का बीपी हैंडल है, ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है, ये 4 नंबर का बीपी हैंडल है, और ये 7 नंबर का बीपी हैंडल है। आप देखो, ये तीनों के अलग अलग साइजेस हैं, तीनों के अलग अलग इनमें ब्लेड लगते हैं, किसी में इसमें 11 का लगता है, इसमें 22 का, 23 का, इसमें 15 का, तो अलग अलग ब्लेड लगते हैं। ये बीपी हैंडल है यानी कि ब्लेड पार्कर। ये क्लियर। ये है किडनी ट्रे, इसमें कोई भी स्पेसिमेन रख सकते हैं या कुछ भी सामान जो यूज में रखने की आपको जरूरत है उस टाइम, सर्जरी के अकॉर्डिंग क्या नीड है वो सामान इसमें रख सकते हैं। अब देखो, ये है आर्टरी फोर्सेप। ये कौन सी आर्टरी है? स्मॉल आर्टरी, यानी इसको बोला जाता है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप। ये मॉस्किटो है, ये देखो, ये आगे से छोटी सी आर्टरी है, ये इसके लॉकिंग सिस्टम है, यहाँ से इस तरीके से, ये स्मॉल आर्टरी है यानी मॉस्किटो आर्टरी। अब इसमें इसके क्या यूजेस हैं? ये जैसे हेमोस्टेसिस यानी कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ये उसको टिश्यू या पर्टिकुलर पार्ट को ऐसे पकड़ लेगी, उसके ऊपर इस पर कोटरी कर सकते हैं, तो इससे ब्लीडिंग रुकने के यानी हेमोस्टेटिक यानी ब्लीडिंग रोकने में भी हेल्प करती है कई जगह, जहाँ इसकी सर्जन डिसाइड कर लेते हैं उनको किस टाइम किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, आपने प्रिपेयर करके रखना है। ये मॉस्किटो आर्टरी है। ये आती है फिर मीडियम आर्टरी, इससे मीडियम साइज की, ये मीडियम आर्टरी सेम ही होती है, इनके भी हेमोस्टेटिक या पेरिटोनियल जब सीथ खोलते हैं तो पेरिटोनियल को ऐसे डायसेक्ट करते हुए इस तरीके से अंदर जाते हैं, तो ये उसका काम। लॉन्ग आर्टरी यानी कैली आर्टरी भी बोला जाता है इसको, ये लॉन्ग आर्टरी है, सेम ही काम है, बस रीजन देख लेते हैं, पर्टिकुलर एरिया देख लें कि वहाँ पे कौन सी कहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। तो ये तीनों आर्टरी है यानी स्मॉल, मॉस्किटो, मीडियम और लॉन्ग। अब आता है, ये है राइट एंगल, अगला आता है इसमें राइट एंगल। राइट एंगल का काम क्या है? कोई वेन है आर्टरी, आप जा रहे हैं वहाँ पे, नीचे जा रहे हैं सर्जन वहाँ पे जा रहे हैं डायसेक्ट करते हुए, तो इस तरीके से डायसेक्ट करेंगे उसको, ऐसा हुक करेंगे, उठाएंगे, उसको टाई करना है, जो भी करना है वो सर्जन डिसाइड करते हैं, तो आपके पास ये रेडी होना चाहिए, इसका काम ये है। तो ये हो गया राइट एंगल। अब आता है बेबकॉक, ये है बेबकॉक, आप देख पा रहे हैं, ये है बेबकॉक फोर्सेप, ओपन का बेबकॉक। ये देखो, ये सामने से इसमें आप देख पा रहे हैं, ये आईसी है, ये टीथ है एक तरीके से, ये इसका लॉकिंग सिस्टम है। ये क्या काम करता है? ये भी कई बार ये टिश्यू को या बड़े कोई है तो उनको रोकने का इस तरीके से काम करे, यानी उसमें हम बोल सकते हैं कि जैसे फेलिपिन ट्यूब्स है या यूट्रस है उसको भी रोकने में या उसको क्लैंप करने में ये हेल्प करते हैं, इनका ये काम है। और ये है एलिस फोर्सेप। ये एलिस फोर्सेप है, जब इंसिजन दिया जाता है तो सीथ को या पेरिटोनियल कैविटी को ऐसे इससे होल्ड किया जाता है, इन दोनों से इस तरीके से होल्ड करते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे होल्ड कर लेते हैं सीट को, तो इनका ये काम है। ये टीथ है इसके ना, एलिस में आगे टीथ है इसके, ये जो आप देख पा रहे हैं ये टीथ है इस तरीके से, ये एलिस फोर्सेप हो गया, बेबकॉक हो गया। अब ये आता है आपका कॉकर फोर्सेप, या कॉकर बोल सकते हैं इसे, देखो आगे टीथ है इसमें, या कॉकर बोल सकते हैं या फिर क्लैंप फोर्सेप भी बोल सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को क्लैंप करना हो तो इस तरीके से पकड़ के क्लैंप कर लेते हैं, जो भी आगे का प्रोसीजर होता है वो सर्जन डिसाइड कर लेते हैं, तो ये क्लैंप फोर्सेप भी बोल सकते हैं इसको। ये भी दो साइज जिसमें है, ये लॉन्ग में है, ये मीडियम में है। अब इसके बाद आती है सीजर। सीजर आपकी ट्रॉली पे प्रिपेयर होनी चाहिए। ये हैवी सीजर,
ये हैवी सीजर है। हैवी सीजर का जो इस्तेमाल होता है वो सूचर्स काटने में या बैंडेज वगैरह काटने में, ये हैवी सीजर का काम होता है। और आपकी ट्रॉली पे फिर इसके साथ साथ दूसरी टिश्यू कटिंग सीजर भी होनी चाहिए। टिश्यू कटिंग या कोई ऑर्गन काटना है तो ये वाली सीजर है, टिश्यू कटिंग सीजर। अब आता है अगला निडल होल्डर। अब निडल होल्डर के तो नाम से आप निडल होल्डर, इसी से आप समझ गए होंगे निडल, निडल होल्ड, निडल को होल्ड करना है सूचरिंग के टाइम पे हेल्प करना, यानी सूचर करवाना। जैसे कि यहाँ पे निडल, यहाँ पे स्टिच सूचर लग जाता है, निडल आगे आ जाते हैं इस तरीके से। मतलब ये अकेला हेल्प नहीं करता है, इसके साथ साथ टूथ फोर्सेप या नॉन टूथ फोर्सेप भी लिया जाता है, इस तरीके से सूचरिंग होती है। तो इसका भी होना जरूरी है। ये भी मैंने दो साइज में रखा हुआ है, एक ये मीडियम है, ये लॉन्ग है, ये भी सेम ही है, ये लॉन्ग है। इसके बाद देखो और फोर्सेप भी रखने होते हैं ट्रॉली पे, आपको रेडी रखने होंगे। जैसे ये है जो है, ये फोर्सेप है डिवेकी फोर्सेप, आप देख पा रहे हैं। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, देखने में तो दोनों फोर्सेप ही लग रहे हैं। जैसे ये फोर्सेप है, ये नॉन टूथ है, ये डिवेकी फोर्सेप है। डिवेकी की देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये इसकी बनावट ऐसी है और इनकी बनावट ऐसी है। ये नॉर्मल फोर्सेप है, ये डिवेकी फोर्सेप है, तो इनमें ये डिफरेंस है। ये मैंने दो, ये भी सूचरिंग या कोई अंदर जब वर्क कर रहे होते हैं सर्जरी में, तो उस टाइम इनकी जरूरत पड़ती है स्टिच के टाइम या किसी भी जगह पे, इनको अकॉर्डिंग द सर्जन की नीड उस हिसाब से वो यूज करते हैं। ये मैंने दो रखे हुए हैं, एक स्ट्रेट में, एक एंगल डिवेक, ये एंगल है मतलब इसे आगे से मुड़ा हुआ, तो एंगल डिवेक है। अब आता है रिट्रैक्टर। रिट्रैक्टर के बारे में बताते हैं। ये है रिट्रैक्टर, ये वेन रिट्रैक्टर, इसको बोला जाता है वेन रिट्रैक्टर, यानी वेन को ये इस तरीके से रिट्रैक्ट कर लेते हैं, ये वेन रिट्रैक्टर है। अब ये आता है आपका लैंगनवैक रिट्रैक्टर, ये एलवी पे बोलते हैं इसको, लैंगनवैक भी रिट्रैक्टर बोला जाता है, ये लैंगनवैक रिट्रैक्टर है। अब ये है जर्नी रिट्रैक्टर, जर्नी रिट्रैक्टर बोला जाता है। ये क्या करता है, ये रिट्रैक्ट करता है, दोनों तरफ से रिट्रैक्ट करता है, इस तरीके से भी एब्डोमिनल वॉल को या किसी भी चीज को ऐसे रिट्रैक्ट कर सकता है, या फिर इसका दूसरा तरीका भी होता है, अगर बढ़ानी चाहिए तो आप इधर से भी इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जर्नी रिट्रैक्टर है। अब आता है आपका इसी में डोइंस रिट्रैक्टर, ये है डोइंस रिट्रैक्टर, यानी एब्डोमिनल वॉल को जब इंसिजन दे दिया गया तो वहां से अगर रिट्रैक्ट करना है तो एब्डोमिनल वॉल इस तरीके से फंसाएंगे ऐसे, और इस तरीके से रिट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप मान लो कि एलएसए सर्जरी है या कोई भी और भी सर्जरी है जहाँ पे एब्डोमिनल आ रहा है या साइड में आपको करने रिट्रैक्शन चाहिए, आपको जगह देखनी है, तो इस तरीके से आप उसको जगह बना सकते हैं, तो ये डोइंस रिट्रैक्टर है। ये है डिवर्स रिट्रैक्टर, इनका भी काम रिट्रैक्टर ही है, ये डीप ज्यादा होती है इनकी, डीवर रिट्रैक्टर है। देखो इनके कम है, इनके ज्यादा है, तो डीवर रिट्रैक्टर है। अब ये है, ये भी डीवर रिट्रैक्टर है, लेकिन ये डीप डीवर रिट्रैक्टर है, जहां तक ये नहीं पहुंचेगा ये वहां तक पहुंच सकता है, आप मतलब पूरे नीचे तक भी ले जा सकते हैं इसको, इस तरीके से पूरा रिट्रैक्ट कर लेता है। आप ऐसे पकड़ के भी खड़े हो सकते हैं असिस्टेंट या किसी भी तरीके से, जहां सर्जन को सर्जरी के हिसाब से जरूरत लगेगी वहां पर रिट्रैक्टर का इनका इस्तेमाल कर लेंगे वो। अब ये है दूसरा रिट्रैक्टर, कैली रिट्रैक्टर, ये डीप रिट्रैक्टर है, ये मतलब कोई भी रिट्रैक्शन करना है वहाँ पे, तो ये भी रिट्रैक्टर में आते हैं। ये अलग अलग साइज के मैंने रखे हुए हैं, अलग अलग नाम के मैंने रखे हुए हैं, ये इसीलिए कि आपको ये सब रेडी रखने हैं। क्यों रेडी रखने हैं, क्योंकि सर्जरी में किस टाइम किस चीज़ की जरूरत पड़ जाए तो आपको ये सब रेडी रखने हैं। ये सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट यानी ओपन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, अपने चाहिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है ओपन के इंस्ट्रूमेंट, या ये लैप्रोटमी सर्जरी नहीं और भी कोई ओपन सर्जरी होगी तो उसमें भी ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल में आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आपने ये रेडी रखने। तो दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो आज की कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।